हे एवरीवन, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बेन 10,000 है वो अभी तक का दिखाया गया हुआ सबसे पावरफुल बेन है, क्योंकि बेन 10,000 के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इन सब के ऊपर से जो बेन 10,000 है उसके पास पूरे 10,000 एलियंस है, इसलिए जो बेन 10,000 है वो अभी तक का दिखाया गया वो सबसे पावरफुल बेन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेन 10,000 हर बार किसी भी विलन को काफ़ी आराम से हरा सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो बेन 10,000 है उसे बेन की हेल्प की ज़रूरत पड़ी हो, जबकि बेन जो है वो बेन 10,000 से इतना ज़्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो चुका है। सो यहाँ आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं उन टॉप 5 टाइम्स के बारे में जब बेन 10,000 को बेन की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है रिबूट बेन 10,000 नीड्स बेन हेल्प। अब देखो, रिबूट सीरीज़ में होता ये है कि जो बेन 10,000 है वो एकदम ही डिप्रेशन में था, क्योंकि जो बेन 10,000 है वो ग्रैंडपा मैक्स की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, इसीलिए जो बेन 10,000 है वो एकदम ही डिप्रेशन में चला गया था। जो बेन 10,000 है उसने हीरोगिरी वाला काम छोड़ दिया था, इसलिए जो बेन 10,000 है उसका एक्सपीरियंस एकदम ही चला गया था। एंड जो बेन 10,000 है उसकी ऑमनेटिक्स भी इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। वही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो गोयन है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बन गई थी, एंड गोयन और बेन 10,000 एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। एंड इसी समय जर्ज नाम की एक स्पीशीज अर्थ पर हमला कर देती है, एंड यहाँ पर गोयन उन्हें रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, एंड यहाँ पर बेन 10,000 भी उन्हें रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो समझ गए थे कि अब बेन 10,000 जर्ज नाम की स्पीशीज को नहीं रोक सकता है, क्योंकि बेन 10,000 के पास अब एक्सपीरियंस नहीं था एंड बेन 10,000 अभी भी डिप्रेशन में था। इसलिए बेन 10,000 डिसाइड करता है कि अब वो पास्ट में जाकर स्मॉल बेन को लेकर आएगा। एंड ऐसा ही होता है, वो स्मॉल बेन को लेकर आता है, एंड यहाँ पर जो स्मॉल बेन और बेन 10,000 है वो मिलकर जर्ज नाम की स्पीशीज को हरा भी देते हैं। अब ये बात तो एकदम ही क्लियर है कि अगर बेन 10,000 डिप्रेशन में नहीं होता तो ऑब्वियस ये बात है कि जो बेन 10,000 है वो जर्ज को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा देता, एंड जो बेन 10,000 है उसे पास वाले बेन की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन बेन 10,000 यहाँ पर डिप्रेशन में था। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है बेन 10,000 नीड्स बेन हेल्प इन क्लासिक। नाउ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्लासिक सीरीज़ में बेन 10,000 को हमें सबसे पहली बार दिखाया गया, एंड इस समय तक जो बेन 10,000 है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ गया था, इसलिए जो बेन 10,000 है वो बार बार विलन्स को पकड़ रहा था। लेकिन इसी के चलते बेन 10,000 अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, एंड गोयन को ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गलत लग रही थी, इसीलिए गोयन पास में जाती है एंड स्मॉल बेन एंड गोयन को पास से फ्यूचर में ले आती है। एंड इसी समय जो विलगैक्स 10,000 है वो हमला कर देता है, एंड यहाँ पर विलगैक्स 10,000 बेन 10,000 से फाइट करता है, एंड यहाँ पर जो स्मॉल बेन है वो भी बेन 10,000 की हेल्प करता है। एंड आखिर में जाकर जो बेन 10,000 है उसे स्मॉल बेन के चलते रियलाइज़ हो जाता है कि जो वो कर रहा है वो थोड़ा बहुत गलत है, एंड बेन 10,000 अपने पुराने दिनों को याद कर किसी तरीके से विलगैक्स 10,000 को हरा देता है। देखो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि अगर वहाँ पर स्मॉल बेन नहीं होता तो शायद से विलगैक्स 10,000 बेन 10,000 को हरा देता, क्योंकि विलगैक्स 10,000 के पास बेन 10,000 के 10,000 एलियंस की वीकनेस थी। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है बेन 10,000 नीड्स हेल्प बेन इन ऑमनिवर्स। नाउ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑमनिवर्स सीरीज़ में भी हमने बेन 10,000 को देखा था। ऑमनिवर्स सीरीज़ के एक एपिसोड में जो विलगैक्स से वो सारे के सारे अल्टरनेटिव बेन्स एंड साथ ही साथ में हमारे प्राइम बेन एंड बेन 10,000 को भी टाइमलाइन से इरेज कर देता है क्रोनोसेपियन टाइम बम की हेल्प से। एंड यही पर जो नोवाज बेन है वो आखिर में जाकर किसी तरीके से सभी के सभी अल्टरनेटिव बेन एंड बेन 10,000 को वापस भी ले आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर नोवाज बेन ने बेन 10,000 की एक तरीके से हेल्प ही की है। जो बेन 10,000 है उसने क्रोनोसेपियन टाइम बम के सामने एटॉमिक एक्स को भी यूज़ कर लिया था, लेकिन फिर भी जो बेन 10,000 है वो टाइमलाइन से इरेज हो गया था। वही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर नोवाज बेन नहीं होता तो शायद से अभी सारे के सारे जो बेन हैं वो शायद से मर जाते। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है अल्टीमेट बेन 10,000 नीड्स बेन हेल्प। अब देखो, बेंटिन के अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बेन 10,000 देखने मिला, जिसके पास एक काफ़ी पावरफुल अल्टीमेट रेक्स थी। एंड ये जो बेन 10,000 है ये एक बार इयोन से लड़ता है, एंड जो बेन 10,000 है वो क्लॉकवर्क की हेल्प से इयोन को हरा भी देता है। लेकिन बेन 10,000 को लगता है कि जो इयोन है वो मर गया है, लेकिन जो इयोन है वो मरा नहीं था। एंड जो बेन 10,000 है वो इयोन को हराने के लिए पास में आता है, एंड यही पर बेन 10,000 एंड बेन मिलकर इयोन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इयोन है वो बेन 10,000 बेन एंड पैराडॉक्स को भी यहाँ पर धोखा दे रहा था। इयोन का एक मास्टर प्लान था, एंड यहाँ पर जो इयोन है वो अपने प्लान में कामयाब भी होने वाला था,
एंड आखिर में जाकर इयोन को बेन ही हराता है। अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर अगर बेन नहीं होता तो शायद से बेन 10,000 इयोन को नहीं हरा पाता। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है बेन 10,000 नीड्स बेन हेल्प इन ओमनीवर्स। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ मेल्टोवेंट वाले आर्क की। तो देखो इस आर्क में जो मेल्टोवेंट है वो अपने सारे के सारे पार्ट्स को कलेक्ट करता है एंड जो मेल्टोवेंट है वो फ्यूचर में जाता है ताकि वो वहाँ से एनिलॉग को बना सके। वही अगर हम लोग देखें तो जो फ्यूचर में मेल्टोवेंट है वो बेन 10,000 से भी भिड़ता है एंड यहाँ पर जो मेल्टोवेंट है वो बेन 10,000 के एटॉमिक से भी भिड़ता है, लेकिन फिर भी जो बेन 10,000 का एटॉमिक से वो मेल्टोवेंट के सामने नहीं टिक पाता है। बेन 10,000 स्पैनर को ये तक कह रहता है कि अब सिर्फ बेन ही है जो कि मेल्टोवेंट को रोक सकता है एंड इसीलिए जो स्पैनर है वो पास में जाकर बेन को ले आता है एंड जो बेन है वो किसी तरीके से आखिर में जाकर मेल्टोवेंट को रोक भी लेता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बता देना कि आखिरकार तुम्हारा फेवरेट बेन 10,000 कौन सा है। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन मैं तो अल्टरनेट बेन टेनिसन हूँ जो इस टाइमलाइन से नहीं है, मेरे साथ क्या होगा।